क्या हुआ तुम्हें, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं यार आकांक्षा, बस यूं ही एक दिन ना कुछ पल के लिए बहुत दूर जाना चाहता हूँ, सबसे दूर, खुद से मिलने के लिए। बहुत टेंशन है यार। मुझे पता है हम सबकी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधे पर है, पर तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ जाना चाहते थे तुम? वैसे पहले तो मैं सोच रहा था कि बार में चला जाता हूँ, पर फिर वहां पे भी लोग होंगे, तो अब सोचा है कि एक हाफ लेके ना गाड़ी में बैठ जाता हूँ, वहीं पे मार आता हूँ। मैं इतनी इंटेंस बात कर रही हूँ और इस आदमी को दारू पीने, वो भी अकेले में। चलो कोई नहीं, फिर मैं किसी दोस्त को फोन कर लेता हूँ, उसके साथ बैठ जाऊंगा। तुम ऐसा निकल लो यहाँ से, निकलो यहाँ से। बताओ यार, वर्ल्ड कप चल रहा है, एक भी मैच नहीं है जो स्टेडियम में देख ले। मन था कि कल वाला मैच अहमदाबाद में देख ले, ये चाहत भी अधूरी रह गई यार। वैसे चाहत तो मेरी भी थी कि दुबई घूम कर आए, पर हर बार की तरह तुमने पूरी कब की है। अरे दुबई में क्या रखा है भाई, है? हमारा इंडिया में इतनी सारी जगह है घूमने की। तो मेरे महान भारत के कंजूस पति, तुम तो ऐसी बातें बना रहे हो जैसे तुमने मुझे बड़ा भारत दर्शन कराया हुआ है। आए बड़े बातें बनाने वाले। अरे क्या पता मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज ही प्लान कर रखा हो यार, मुंह चलाना आता है बस। मैंने दो तुम्हारे सरप्राइज और प्लान ना 10 साल से देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। आए बड़े। और एक बात बताओ, आज तक तुमने प्लानिंग से किया ही क्या है, और इसे क्या देख रहे हो, ये भी बिना प्लानिंग के आया है, अनप्लान्ड। हाँ तो ठीक है, मेरी लाइफ में ना सब ऊपर वाला प्लान करता है, जब उसकी मर्जी होगी तब घूम लेंगे, दुबई सिंगापुर जहाँ भी घूमना है तुम्हें। बस 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 यही करते आए तुम, अपनी लाइफ को कैसे और किस स्टेटस के साथ जीना है ना, ये हमारी खुद की मैंने डिसाइड करती है। आए बड़े। और ऊपर वाला ना उसकी मदद करता है जिसके अंदर खुद लाइफ जीने का पैशन और जुनून हो। सब भूल गई तुम लोगों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया हुआ यार, अब कड़वे घूंट पीता हूँ मैं जिंदगी के तुम्हारे लिए, रात रात भर बिना खाए सो जाता हूँ। अच्छा कड़वा घूंट, वो कड़वे घुट की बोतल ना 2000 रुपए की आती है, और खाना तो तुम इसलिए नहीं खाते क्योंकि सब पीकर जो तुम्हारा हैंगओवर हो जाता है ना, तुम्हें होश भी नहीं रहता, कहाँ पढ़ना है, कहाँ उठना है, कहाँ सोना है। तुम्हें ना एक शेर सुनाती हूँ। इरशाद सुनाओ। जब इश्क की बीमारी लगती है, जब इश्क की बीमारी लगती है, तब तो दो बच्चों की माँ भी बहुत प्यारी लगती है। दो बच्चों की माँ, किन दो बच्चों की माँ अच्छी लग रही है तुम्हें? मेरे दो बच्चों की माँ आरू और चिकू की मम्मी तुम, तुमसे इश्क है यार मुझे। ओके आई लव यू यार। लव यू टू जान। सुनो वो तुम्हारी विस्की बची हुई ना, तुम वो आज ले लेना। ठीक है, पर ना दो ही पैक लेना। हाँ दो ही लूंगा। मैं तुम्हारे लिए पनीर टिक्का बना दूं? बना लो बना लो। ठीक है। बच गया भाई, लोटरी लग गई आज तो, बना लो जा।